हेलो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एमिवे और रफ्तार की बीच की लड़ाई के बारे में। ये दोनों ही इंडियन रैप के गॉड हैं। ऐसा क्या हुआ कि एमिवे लगातार रफ्तार पे चोट मारे जा रहे हैं और रफ्तार भी इसका जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिनमें आपको इनकी दोस्ती के बारे में पता लगेगा। आज मैं हथियार लेके आया हूँ, एक बॉम्बे का स्पेशल। जैसे मिलता है बॉम्बे में ही मिलता है बस, पर पूरी इंडिया पे चलाना है क्यों? ओके गाइस, सो वी हैव और बंटा इन द हाउस। क्या बात है, बंदे ने गेस किया, गेस किया इसने। देख मोहब्बत मोहब्बत, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, क्या बात है। सो दिस इज एमीवे, सो पीपल हु डोंट नो हिम यू शुड नो हिम, दैट इज द होल पॉइंट। सो दिस इज एमीवे वंटा एंड शाहरुख शेख। So he is going to do a live performance of Mumbai से दिल्ली तक, just for you all। कृष्णा भाई है नहीं? कृष्णा भाई हाँ, सुनो भाई, जो जीजस ने नहीं सुना यूट्यूब पे जाके चढ़ लो, एमिवे और कृष्णा साथ में ट्रैक है मुंबई से दिल्ली तक। सुनो फिलहाल एक वर्ष मार दो। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एमिवे और रफ्तार लगातार एक दूसरे को टारगेट बनाए जा रहे हैं अपने सॉन्ग्स में? इसकी वजह एमिवे अपने फैंस को जो बता रहे हैं वो ये है। कौन सा गाना है? हाँ, बता देता हूँ, है ना, हैशटैग सड़क रिमिक्स जो मैंने रफ्तार भाई के साथ बनाया था। मैंने वो गाना मैं स्टूडियो में रखता हूँ, लाइक आई ट्रस्ट पीपल। मेरे को कोई डर नहीं है किसी के पास गाना देना है। लाइक बाकी लोग डरते हैं कि गाना किसी के पास रहेगा तो मेरा गाना कोई उठा लेगा, चोरी कर लेगा, फ्लो चोरी कर लेगा। ब्रो आई डोंट हैव एनी फियर, बिकॉज मेरे को पता है आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई कैन मेक 1000 सॉन्ग्स। लाइक मैं बहुत कुछ बना लूंगा इंशाल्लाह, ऊपर वाले की मेहर है। हैशटैग सड़क से पहले सड़क रिमिक्स रिकॉर्ड हुआ, साथ में गाना निकालेगा, बोल के मेरे सब भलते में ये वाला फ्रॉड हुआ। साफ दिखता है ये ऊपर से मूली, शूट होगा बोल के भाग गया तुल्ली। शुक्र है सबका, आई नो व्हाट आई कैन डू, आई नो व्हाट वी कैन डू बिकॉज ऑफ यू पीपल। एवरी टाइम इंस्पिरेशन विद माय गुड फ्रेंड्स, आई हैव अ गुड वाइब नियर बाय, सो बहुत सारे गाने बन जाएंगे, कोई शॉर्ट नहीं है। लेकिन हैशटैग सड़क रिमिक्स मैंने दैट इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम रफ्तार भाई चैनल, सो इट्स लाइक उनका गाना हो गया अभी हो तो वो गाना मैंने मेरे एक दोस्त को दे रखा था। एंड देयर इज अ फैन, लाइक आई कैन कॉल हिम फैन, लाइक बहुत सारे फैन भाई लोग बोल सकता हूँ मैं। बहुत एक रेगुलर फैन होते हैं जो घड़ी घड़ी आके घर पे मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं, एंड आई मीट देम मेनी टाइम। तो बहुत लोग को मैं ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत बार मिलता हूँ, मैं कोई घमंड वाला शॉट नहीं, अपन मिलते रहते हैं। लेकिन क्या है तो वही लोग मिलते 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 क्या क्या उनको एक बार मैंने गाना सुनाया, उन्होंने लिरिक्स याद किया और दे रिप्ड इट इन साइफर, लाइक इट वाज इन साइफर, लाइक दे रिप्ड इट, उन्होंने गा दिया। मैंने जो लिखा है जो रिलीज नहीं हुआ है वो गाने को गा दिया, बिकॉज मेरे को फोन, मैंने फोन किया कि ये हटवा दो, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज फेमस हो जाएंगे पब्लिक खोटा। सो आई वांट टू मेक देम फेमस, वो फेमस होंगे जो खुद से दिल की सच्ची बात लिखते हैं भाई। अब पीपल आर एक्सपेक्टिंग, लाइक मेरे जो फैंस है जितने भी, आई लव ईच एंड एवरीवन, सबसे बहुत सारा प्यार है। बट जो कुछ कुछ फैंस होते हैं जो सोचते हैं कि एमिवे को मैं जानता हूँ, एमिवे से मैं मिलता हूँ, उसका मतलब ये है कि एमिवे मेरे को बहुत आगे लेके जाएगा, एमिवे मेरी भी कुछ कर देगा, मेरे लिए मदद कर देगा, गैंग में ले लेगा, क्रू में ले लेगा। इट्स नॉट एट ऑल ईजी मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत बिल्ला सीन होता है और बहुत टफ लाइफ है। इट्स टू में सबको संभालना, सबको अच्छे से रखना, हर कोई सुमित और मिंटा जैसे नहीं होते, लाइक आई हैव माई ओन पीपल, सो देर शुड बी सम अंडरस्टैंडिंग, देर आर थिंग्स ब्रो यू शुड अंडरस्टैंड। तो मेरे फैंस लोग एक्सपेक्ट करने लग गए थे, जो बंदा जिसने मेरे साथ किया है, मेरा गाना मैंने जो लिख के हैशटैग सड़क में रखा था, उसने उसको उसके गाने में गा दिया मेरे रिलीज करने से पहले। और मैंने फोन किया तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत किया था, मैं तुमको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आज तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जस्ट वॉन्ट टू से, किसी का कुछ चोरी मत करो, कुछ ऐसा मत करो मेरे भाई, जिसने किया है वो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट गाय, आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, मेरा फैन है, आई लव यू ब्रो, आई लव ईच एंड एवरी वन। बस किसी का टैलेंट चोरी करके ऐसा मत करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को लेके। वो गाना गया तो गया, आई डोंट गिव दैम, इट्स ओके, आई कैन राइट वन मोर, बट ऐसा चोरी करके किसी का गाना गाना इज नॉट गुड एट ऑल। तो थोड़ा सोच समझ के काम करो, खुद का जो करना है वो करो। तो अगर वो इंसान खुद का कुछ करता, जो लड़के ने चोरी किया है वो खुद का कुछ करता, नया कुछ लिखता ना, तो इंशाल्लाह मैं उसको लेके आके एक कोलैबोरेशन मैं मारता कि कुछ नया बनाया, वाओ कम ब्रो लेट्स कोलैबोरेट,
कुछ मेहनत ही नहीं करोगे कुछ, अगर तुमने कोशिश ही नहीं किया तो मैं कैसे साथ में काम कर सकता हूँ। तो बस बी रियल, बी गुड पर्सन, आर्टिस्ट बाद में है भाई, अच्छा इंसान बनो, दिल साफ रखो, काम भारी करो, और डोंट रन बिहाइंड मनी, मनी इज गुड, मनी इज नेसेसरी, मनी के बिना ना जी सकते ना लेके जाओगे तुम, पैसा बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ एक अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और बहुत कुछ है बात करने तो पूरी रात बैठ जाऊंगा मैं, और बाकी सब बहुत बारी चल रहा है। थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। ये थी असली वजह जिसकी वजह से एमी वे रफ्तार को लगातार अपने सॉन्ग्स में टारगेट कर रहे हैं, और रफ्तार भी इसका जवाब दे रहे हैं। जो भी हो, इनकी लड़ाई ये जल्दी खत्म हो, हम लोग आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप जल्दी एक कोलैबोरेशन लेके आएं जो कि एकदम धांसू टाइप का हो, आप दोनों के रैप जैसा। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर।